सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अमनदीप एंड यू आर वाचिंग अमन्स व्लॉग। एंड आज का वीडियो बहुत ही मतलब अलग होने वाला है। अलग मतलब कि मेरे और एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, जो कि बाइक मेरे पल्सर 220 का रिव्यू वीडियो था। तो वो पहले पहले नया था, तब मैंने उसका रिव्यू बनाया था। अब ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, 10,000 प्लस, तो इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड बहुत सी चीज़ें यू नो टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, जो कि सिंपल है वही वो लैंग्वेज में मैं करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो एज यू गाइज हैव सीन माई यू नो प्रीवियस वीडियो विच वेर आई हैव डन द रिव्यू ऑफ दिस पल्सर 220। एंड इफ यू हैवन सीन दैट दैन ऊपर आए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसका पूरा टेक्निकल रिव्यू है इस बाइक के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो। आज मैं बेसिकली इंडियन रोड्स में एक इंडियन कंज्यूमर के नाते आपके दिमाग में क्या मतलब इस बाइक के लिए क्या मेरे इमोशंस है 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले जैसे कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन आप लोग को मालूम ही होगा, अगर नहीं तो गूगल कर लो या मेरा वो वाला पहले वाला वीडियो देख लो। तो सीधे पॉइंट में आते हैं कि ब्रेकिंग इसका कितना मीटर एमएम है, कितना ये है वो छोड़ो, ब्रेकिंग कैसा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पल्सर 220 का जो ब्रेकिंग है वो मुझे इतना खास नहीं लगा। स्पेशली अगर आप पीछे का ब्रेक ज़्यादा टाइट रखते हो तो क्या होता है कि बाइक स्किड करती है, और जब आप पिलियन के साथ होते हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं अगर पिलियन के साथ होता हूँ और पिलियन अगर मुझसे थोड़ा ज़्यादा हैवी है, जैसे कि मेरा वेट अराउंड 55 या 55 के आसपास होगा, अगर मुझसे ज़्यादा वेट का यू नो पिलियन होता है तो ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरे तरफ अगर हम बात करते हैं टायर्स की, तो देन टायर्स मेरे 11,000 चलने के बावजूद भी एकदम मस्त कंडीशन में हो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एकदम मस्त है, क्योंकि मेरा यूजेस वैसा है। वो डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर, लेकिन पल्सर का मेरे वाले में तो MRF का टायर मतलब मुझे लग के मिला था, मैंने आज तक कभी भी चेंज नहीं किया टायर। अगर आप एलॉयज की बात करो तो बीच में पल्सर 220 ने पल्सर ने यू नो बजाज ने वाइट एलॉयज वाला यू नो बाइक दिया था, लेकिन वो मेरा नहीं है। मेरा 2017 वाला मॉडल है और इसको मैंने कस्टम एलॉय वाइट किया है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में मैंने बोला था। देन टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक, देखिए परफॉर्मेंस तो एकदम ज़बरदस्त है। यू नो बजट सेगमेंट में आप अगर देख लो 1.10 लैक्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। जो टॉर्क, जो स्पीड, जो पावर ये इंजन प्रोवाइड करती है 220cc का, जैसा कि इंजन है यू नो कितना टॉर्क है, कितना यू नो BHP है, वो सब आप देख लेना। मैं वो सब के बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला था मैं इसको टेक्निकली रिव्यू में नहीं कर रहा हूं। तो ये बाइक का परफॉर्मेंस आपको कभी यू नो निराश नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर हम मेंटेनेंस की तरफ अगर हम आते हैं तो इस बाइक का यू नो सबसे बजाज बाइक का सबसे ज़्यादा डाउन साइड क्या है पता है? आप अगर उसको मेंटेन अच्छे से नहीं करते हो तब ये नो ऐसा हो जाता है कि मतलब 15,000 चलने के बाद मतलब यू नो इंजन में वो मतलब ताकत होती ही नहीं है। जैसे आपको अगर आप मतलब यू नो रेव कर रहे हो, जा रहे हो, एक्सलेटर दे रहे हो, तो मतलब बाइक यू नो भागने का मतलब उसका इच्छा ही नहीं रहता, मतलब इंजन में ऐसा लगता है कि कुछ दम ही नहीं है उसका, वो होता है। उसके बाद पल्सर 220 मेजर और एक प्रॉब्लम जो सबके साथ आता है, चेन पॉकेट का जाना यू नो फ्रंट साइड या बैक साइड। मेरे बाइक में तो अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है और मैं बाइक रफ भी चलाता हूँ और मेंटेन करके भी चलाता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो फ्यूल इकोनॉमी के लिए एकदम थम्स अप है बजाज ने, ये बहुत अच्छा यू नो वर्क किया है, क्योंकि 220cc की बाइक होने के बावजूद भी ये हाईवे में अराउंड 40 के आसपास मुझे आराम से मिल जाता है। अगर टाउन में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाऊँ तो अराउंड 35 के आसपास वेरी करता है, क्योंकि मैंने आज तक माइलेज का टेस्ट नहीं किया है। अगर आप पूछते हो, मेरा बाइक अभी भी वेल मेंटेन कंडीशन में है, 2 साल होने के हुए, और इसके बाद भी अगर आप यू नो इसका माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन दिलो, मैं इसका माइलेज टेस्ट भी मतलब बनाने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें इसके रियर व्यू मिरर की, तो रियर व्यू मिरर देखो यार इतना खास मुझे लगा नहीं। अगर आपको यू नो ज़्यादा आप टूरिंग करते हो तो आपको दूसरे यू नो मिरर में स्विच करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द बाइक, इस बाइक को मेंटेन करने के लिए बेसिकली आपको क्या फंडामेंटल्स और क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपका बाइक बहुत ही मस्त हो। जैसा कि अभी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मेरा बाइक एकदम मस्त कंडीशन में है 2 साल होने के बावजूद, हालांकि मैंने कम चलाया है 2 साल में, यू नो 11,000 किलोमीटर्स बहुत ही कम है, क्योंकि तुम लोगों को अगर मेरे यू नो फ्रीक्वेंट व्यूअर हो तो पता तुमको रहेगा कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, घर में बीच में ही आता हूँ, तभी ज़्यादातर चलाना होता है यहाँ पे। तो मेंटेन अगर आपको इसको करना है तो बेसिकली क्या है कि देखो
जैसा कि 5000 में अगर आपका सेकेंड सर्विसिंग है तो उसको आप 3500 या 4000 में करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप 4500 तक करा दो, ऑयल चेंज करा दो, और आपका प्रॉपर स्पॉकेट और जो सारी चीज़ें हैं चेन ये सब आप अच्छे से यूनू उसको मेंटेन करो। और चेन को मैं पर्सनली सजेस्ट ये करूँगा कि पल्सर 220 में आप स्प्रे से ज़्यादा आप ऑयल से क्लीन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्प्रे आपको मालूम है कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो स्प्रे जो पोर्शन है, जो मटेरियल है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में करता है, लेकिन करता ज़रूर है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा चेन ल्यूब और चेन स्प्रे के अलावा आप ऑयल से क्लीन करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि साइकिल वाला ऑयल होता है और जो मतलब वो कपड़े सिलाने वाला मशीन में जो ऑयल यूज़ होता है उसको आप दो तो बेस्ट रहेगा। उसको आप दे के आराम से एकदम अच्छे से, ज़्यादा भी नहीं देना है, अच्छे मतलब मीडियम क्वांटिटी में उसको दे के उसको बाद आप चलाओ, और सेकेंड डे उसको आप धो दो, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ज़्यादातर बजाज वाली बाइक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप फर्स्ट गियर देते हो या गियर चेंज करते हो तो खट खट वाली आवाज़ बहुत आती है। ये बेसिकली हर 150-180 सीसी के प्लस सेगमेंट जो बजाज के बाइक्स है उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो उसका देखिए कि अभी तक तो मेरा इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बाइक को ज़्यादा ही एकदम एक्सट्रीम रफ चलाते हो तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मेरे बाइक में तो इतना ज़्यादा खास है नहीं प्रॉब्लम। और मेरा सर्विसिंग आई गेस 8-9 या 10,000 में था, लेकिन मेरा 11,082 किलोमीटर चल चुका है, तो सर्विसिंग का टाइम मतलब हो ही गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वैसा मत करो, सर्विसिंग प्रॉपर कराओ। और वो वाला वीडियो देखा था मेरा सोलो राइड बिस्मा चैनल टू गुवाहाटी, तभी मैंने बोला था कि इसको मेरा सर्विसिंग का टाइम हुआ है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, और अभी आई गेस 3 या 4 मंथ्स हो गए अभी तक मुझे आपके भाई को टाइम ही नहीं मिला। सो MSK से भी ज़्यादा लेजी है अमनदीप अमन्स ब्लॉग्स। सो या बैक इन द पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल्स की बात करो तो इस बाइक का इलेक्ट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इसको आपको मेंटेन करना रहेगा। और मेरी तरह अगर आप मडगट पीछे का अगर उसको मॉडिफाई करते हो तो उसके लिए प्रॉपर ध्यान ये रखना है कि ये जो पार्ट है आपका ये प्रॉपरली कवर होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इस बाइक का इलेक्ट्रिकल जो मतलब बहुत ही मतलब मेजर कंपोनेंट्स है वो इसके पीछे वाला सीट के नीचे है। अगर आप इसको कवर नहीं करते हो तो क्या होगा, बारिश में जब आप चलाओगे तो पानी जाएगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, हालांकि प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन आपको मैं जैसे कि बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके बाद हेडलाइट्स की बात अगर हम करें, हेडलाइट्स देखो यार पल्सर 220 का जो हेडलाइट है, काफ़ी लोग अगर मैं इसको बुरा बोलूँगा तो काफ़ी लोग बोलोगे नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अपर तो इसका एकदम मस्त चलता है, लेकिन प्रॉब्लम अच्छा इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो हेडलाइट्स इतने भी खास नहीं है यार, अगर आप थोड़े ज़्यादा ब्रॉड हाईवे में चलाते हो तो जो ब्राइटनेस है इसका वो फट जाता है, तो उसको मतलब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा जैसे कि ये फ्यूज़ भी हुआ तो मैंने इसको चेंज कराया था, हालांकि अपर जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास मस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पल्सर 220 में कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आपके साथ पता नहीं हुआ होगा या नहीं, अगर हुआ है तो कमेंट डाउन करना है कि जब भी बाइक एक या दो बार थोड़े गिरती है, अगर किसी भी तरफ गिरती है तो इसका हेडलाइट का जो अलाइनमेंट है वो टेढ़ा बेकार मतलब टेढ़ा थोड़ा हो जाता है। क्योंकि हुआ यूँ था कि मेरा बाइक भी एक बार लेफ्ट की ओर गिरा था, एक या दो बार गिरा था, उसके बाद से क्या हुआ है कि ये जो अपर है मेरा वो लेफ़्ट की तरफ दिखाता है, कि बीच में दिखाना चाहिए लेकिन ये ऐसे ऊपर को लेफ़्ट की तरफ जाता है, और डिपर भी वैसे ही है कि लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा फोकस देता है, ज़्यादा थोड़ा ब्राइटनेस देता है। तो ये शायद मेरे ख्याल से मेरे एक फ्रेंड का पल्सर 220 में भी सेम प्रॉब्लम था। तो हेडलाइट की बात ये हो गई, अगर इसका आप कम्फर्ट सीटिंग पोजिशन देखना चाहो तो ये एग्रेसिव थोड़ा बहुत, और टूरिंग के मामले में ये पूरा अगर सिंपल वे में बोले जाओ तो एकदम कंफर्टेबल है। अगर आप इसको टूरिंग के पर्पज़ से भी यूज़ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप एकदम आराम से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और सबसे एक मेजर वाली प्रॉब्लम ये है कि आपको जैसा कि मैंने वो वीडियो में बोला था इसका मेन स्टैंड का बारे में कि अगर आप कॉर्नरिंग करते हो, जैसा कि मेरा शिलोंग वाला वीडियो आने वाला है होगा या आ चुका होगा, पता नहीं ये वीडियो में कब रिलीज़ करूँ,
तो उस वीडियो में ये हुआ था कि जब भी मैं कॉर्नरिंग करने के ट्राई करता हूँ तो ये मेन स्टैंड जो है लग जाता है, एंड लगने के बाद यू नो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप कॉर्नर ले रहे हो और आपका मेन स्टैंड टच हो जाए तो आपको यू नो झटका तो लगेगा ही लगेगा। तो इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा खास नहीं है बिकॉज ऑफ द मेन स्टैंड, ये लगेगा ही लगेगा अगर, और अगर पिलियन हो तो डैम श्योर वो तो लगेगा ही, वो एक नॉर्मल सा स्पीड ब्रेकर अगर भी होगा तो तभी लग जाता है वो यू नो। अभी हम बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन एकदम यू नो ठीक ठाक ओके सा है, इतना ज़्यादा यू नो जैसा कि ऑब्वियसली ये है यू नो मिक्सचर बाइक है, इसको आप सिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज टूरिंग के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसका सस्पेंस इतना भी खास नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, एकदम ओके एवरेज सा है। एंड अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, इस बाइक का यू नो प्राइस जितना है 1,15,000-1,10,000 डिपेंडिंग अपन जो सिटी आपको ये बाइक मिल जाता है, तो इतने बजट में आपको इतना फीचर मिल रहा है, इतना टॉर्क मिल रहा है, इतना पावर मिल रहा है, इतना यू नो इंजन का हो गया, लुक्स के मामले में हो गया, तो उस हिसाब से ये बाइक उस अमाउंट को एकदम से जस्टिफाई करती है। अगर आप मेरी ओपिनियन सुनो, मेरा अगर मैं आपको यू नो ऑनेस्टली बोलना चाहूँ तो मेरा यू नो मूड था NS Pulsar 200 NS लेने का, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने कैंसिल करके 220 ले लिया, और मैं उस डिसीजन को एकदम भी रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैंने इवन मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया NS नहीं लेके और पल्सर 220 लेके, जो कि मैं अभी फील कर रहा हूँ, बिकॉज अपने टूरिंग के हिसाब से मैं इसको एकदम से मेरे हिसाब से ये प्रॉपर बैठ रहा है, और टूरिंग के हिसाब से मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। और एक मेजर पहले भी यू नो मेरे साथ भी होता था कि विंडशील के बारे में सब मैं वीडियोस में देखता था, सभी बोलते थे, लेकिन मेरे को लगा यार ये विंडशील का क्या काम है यार, लेकिन जब मैंने लॉन्ग टूर्स किया, अभी रिसेंटली मैंने बजाज डोमिनर 400 से एक लॉन्ग टूर नहीं यू नो मीडियम शॉर्ट टूर किया था गुवाहाटी से विश्वनाथ चली, तब मुझे मालूम चला यार विंडशील का क्या यू नो महत्व है। यू नो जब मैं हेलमेट से मतलब पहन के चला रहा था, ज़्यादा नहीं 80-90 के स्पीड में भी हाईवे में जो विंड ब्लास्ट मारा यू नो मेरा हेलमेट जो ऐसे ऐसे वेरी मच डिस्टर्बिंग साउंड था, और वूबल मतलब कान के अंदर भी आपको वो वाला इफेक्ट आता रहता है, तो इसलिए विंडशील बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि यू नो विंडशील अच्छा खासा आपको दिया हुआ है, एक तरफ कमियाँ हैं तो एक तरफ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, हर बाइक में वही होता है यार। अगर आपको विंडशील एक्सटेंड करना है तो इससे आप कर भी सकते हो, जैसा कि आपने बहुत वीडियोस में बहुत फोटोज़ में देखा होगा, तो विंडशील को आप अगर और लगा लो तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। अभी इस बाइक के यू नो इंजन के बारे में अगर थोड़ा मैं बात करूं तो यू नो मैं मिक्सअप करके बोल रहा हूं, कभी टायर की बात तो कभी इंजन की बात, फिर कभी हैंडल की बात, मैंने बोला ना मैं टेक्निकली रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बस अपना ऑनेस्ट से ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि इस बाइक को आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरी बातें सुन के आप यू नो अपने नीड के हिसाब से वो बैठा सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए ये बाइक है या नहीं। सो या अगर आप इंजन की बात करो तो इंजन इसका है ऑयल कूल्ड इंजन, एंड ऑयल कूल्ड ठीक ठाक काम कर लेता है। यू नो लिक्विड कूल होने से फिर उसका यू नो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बढ़ता है, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये एकदम सिंपल है, उतना यू नो कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। और जब पल्सर 220 जब लॉन्च हुआ था तब के टाइम में ऑयल कूल्ड इंजन यू नो बहुत बड़ी बात होती थी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती थी। एंड जब से ये बाइक लॉन्च हुआ है तब से अब तक ये मार्केट में एकदम छाया हुआ है। और हाँ एक बात मैं बोलना भूल गया, ब्रेकिंग मैंने बोला था ओके है, इतना खास नहीं है, लेकिन अभी गुड न्यूज़ आप सबको मालूम ही होगा कि पल्सर ने अभी ABS दे दिया है पल्सर 220 में भी, ये तो और भी मज़े की बात हो गई है, और एक प्लस पॉइंट जाता है बजाज को और पल्सर 220 को। और अभी मुद्दे पे एकदम एंडिंग पे आते हैं कि आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं। देखिए आप अगर खुद से सोच रहे हो, आपके दिमाग में अगर ये बाइक है और कोई बाइक है जो आप कंपेयर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से इस बाइक के लिए आप एकदम ब्लाइंडली जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट मैंने जो जो पॉइंट्स मैंने बोला कि आपको ये बाइक को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट अगर आप रफ चलाओ, रफ मैं भी चलाता हूँ यार, लेकिन मैंने बाइक को जो मेंटेनिंग जो इसका मतलब ट्रिक किया कुछ भी यार समझ लो, उसको आप अगर मेंटेन करके रख लो तो इस बाइक में आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे पल्सर 220 चलाए हैं कि यू नो फिफ्थ गियर में भी वो 40-50-60 से ऊपर वो लेके जाता नहीं है, अभी भी मैं इजीली इस बाइक में यू नो 150 के आसपास कर लेता हूँ। और
मैंने लास्ट राइड में मैंने इसको 152 किलोमीटर पावर की स्पीड में मैंने इसको भगाया था, तो अभी भी इसका इंजन में एकदम पावर है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि पल्सर का 220 या बजाज के इंजन में ये हो जाता है। तो वही सी बात है कि आप इसको मेंटेन करना सीख लो, जान जाओ इसको कैसे मेंटेन करना है प्रॉपर, टाइम टू टाइम आपको चेंज पॉकेट और इसका इंजन ऑयल ये सब चेक करना है। एयर फिल्टर, जैसे कि मैंने अंदर सीट के अंदर जो मफलर होता है वो मैंने मफलर खोल के रखा था, लेकिन मैं उसको आपको सजेस्ट करूँगा मत खोलो। अगर खोलते हो फिर भी, अगर आप पहले 1 मंथ में आप एक बार ऑयल फिल्टर सफ़ा करते हो एयर फिल्टर, तो अभी मंथ में 3 या 4 बार आपको एयर फिल्टर साफ़ करना पड़ेगा। तो यही सारी बातें थी यार इस बाइक के बारे में। तो एकदम एंडिंग में, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको, आप अगर ये सोच रहे हो कि इस बाइक को आपको लेना है तो एकदम डेफिनेटली आँख बंद करके ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई बेट यू। और बस यही था आज के वीडियो के लिए, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई अगर आपको क्वेश्चन या सुझाव या कुछ है तो आप कमेंट डाउन में लिखना, और प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे, और जिन जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो बहुत से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। और कोई भी अगर कुछ है तो आप कमेंट डाउन में लिख लो। और जैसा कि मेरे को पहला माइलस्टोन मेरा 500 सब्सक्राइबर्स वो क्रॉस करना है, तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।